हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जीके सीए सीरीज के आगे क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, स्पेशली फॉर एमयू बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बताता चलूँ, जो स्टूडेंट्स एमयू बीएलएलबी 2022 इस साल के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट चाहिए तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, बाकी डिटेल्स भी दिया हुआ है और ये हेल्पलाइन नंबर भी है। अगर आपको उसको खरीदने में परचेज करने में कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु एम्पावर्स टू सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने की ताकत किसके पास है? तो अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो मैं आपको बताऊं, जो ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग हम बात करें, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ अंडर आर्टिकल 352, जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड किया जाता है। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंट्री के अंदर सस्पेंड हो जाता है। बट अगर हम अंडर आर्टिकल 359 की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास और भी है ना, अदर फंडामेंटल राइट्स की बात करें उसको भी सस्पेंड करने की पावर है, अदर फंडामेंटल राइट्स। पर ध्यान देना, दो फंडामेंटल राइट्स कभी भी सस्पेंड नहीं की जा सकती, दैट इज द आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 जो है बेसिकली, ये जो है इसको एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट भी कहा जाता है, ये सस्पेंड नहीं किया जा सकता, एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये कभी भी किसी भी कंडीशन में, बट एक्सेप्शंस है ना, इन केस ऑफ डिफेंस फोर्सेस पर्सनल जो है पुलिस हो गए उसको आर्टिकल 21 नहीं दिया जाता, बट जो सिटीजन ऑफ कंट्री है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनको फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 एंड 20 जो है वो दिया जाता है बेसिकली, राइट। तो आप ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे हु इज इम्पावर्ड, तो इसमें से किसके पावर है, तो यस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन डी। बट पार्लियामेंट भी सस्पेंड कर सकती है एज पर द आर्टिकल 33, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे तो ज्यादा करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट जाएगा। अगर प्रेसिडेंट नहीं होता तो पार्लियामेंट भी जा सकता था। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सेप्शन द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 14? आर्टिकल 14 की बात करें तो इसमें से कौन सा जो है एक्सेप्शन नहीं है? तो फॉरेन डिप्लोमेट्स, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आप कह सकते हो, इनके ऊपर आर्टिकल 14 इंप्लीमेंट नहीं होता। तो आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है बेसिकली आप कह सकते हो वो इसके अंडर में नहीं आता, यानी इसका ये एक्सेप्शन नहीं है। जबकि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की बात करें, आर्टिकल 361 जो है इन दोनों को इम्यूनिटी देता है, किसी भी क्रिमिनल केस, कोई भी क्रिमिनल केस इन दोनों के अगेंस्ट चार्ज नहीं हो सकता, फाइल नहीं की जा सकती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352? अभी हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 20 एंड 21। तो कौन सा जो फंडामेंटल राइट्स है वो किसी भी केस में, इमरजेंसी केस में वो सस्पेंड नहीं की जा सकती? तो राइट, अगर हम 21 की बात करें तो ये हमारा जाएगा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करें, तो यस ऑप्शन बी जो है हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये किसी भी केस में सस्पेंड नहीं करा जा सकता। जबकि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें आर्टिकल 19, तो यस वो सस्पेंड हो सकता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 सस्पेंड हो सकता है। राइट टू इक्वालिटी की बात करें 14-18 भी सस्पेंड की जा सकती है, बट आर्टिकल हम बात करें 21 क्योंकि सस्पेंड नहीं हो सकता, तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कैन नॉट बी सस्पेंडेड एट एनी कंडीशंस, ठीक है बेटा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट्स। अभी हमने डिस्कस भी किया है, कई बार ये क्वेश्चन भी आ गया, राइट अगेंस्ट प्रोहिबिशन की बात करें तो या बेगर्स की बात करें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगिंग, ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग, एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन, फोर्स लेबर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट जाएगा इस केस में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज रिस्ट्रेंड बाय द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट? इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को रिस्ट्रेन करता है? ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो मैं आपको बताता चलूँ, आर्टिकल 19 जो है बेसिकली है ना, अगर किसी भी पर्सन को डिटेन किया जाता है तो कौन सा फंडामेंटल राइट यहाँ पे रिस्ट्रेन होता है, वायलेट होता है? तो राइट टू फ्रीडम, तो आर्टिकल 19। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट इन दिस केस, ये ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एलएलबी के एग्जाम में, लीगल एंट्रेंस, लॉ एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। द सिख ऑफ इंडिया वाज परमिटेड टू कैरी किरपन, जो सिख है वो उसको परमिशन है किरपन कैरी करने का, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स, किस फंडामेंटल राइट्स में उनको दिया गया है? तो ऑब्वियस ही बात है, अगर बात करें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस फंडामेंटल राइट की वजह से उनको किरपन रखने का इजाजत दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स रेस्ट विद। आपको ये बताना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फंडामेंटल राइट को सुरक्षित रखने के लिए किसके पास पावर है। ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, ऑल कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, बोथ ए एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड सी, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास भी ताकत है, पावर है एज पर द आर्टिकल 32, एंड हाई कोर्ट के पास भी पावर है एज पर द आर्टिकल 226। दोनों के पास पावर है कि वो रिट इशू कर सकते हैं इन केस इफ देर इज अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो ये आप ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन द इवेंट ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अभी डिस्कस किया, कोई भी पर्सन जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ हो, तो किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 32 के तहत, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर यहीं पर हाई कोर्ट की बात की होती यहाँ पे, तो आर्टिकल 226 आंसर जाता। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट द कोर्ट कैन इशू। अभी हमने डिस्कस किया रिट, नोटिसेस, फाइव टाइप्स ऑफ रिट्स है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वो वारंटो, सर्टियोररी एंड प्रोहिबिशन। फाइव टाइप ऑफ रिट जो है वो कोर्ट इशू कर सकती है अगर फंडामेंटल राइट का इन्फोर्समेंट करना होगा तो। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट जाएगा, रिट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। विच फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। अभी हमने डिस्कस किया राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। ये क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार आ चुका है, तो ये ध्यान देना। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन आर्टिकल 23 एंड 24, ये जो है बेसिकली, है ना, स्पेशली बात करें आर्टिकल 23 जो है वो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स को क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट वॉज डिस्क्राइब्ड बाई बी आर अम्बेडकर। अभी ये भी डिस्कस कर चुका है कौन सा, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या कहते हैं, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट इन दिस केस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट एंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ये बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट कौन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को ही आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये ध्यान देना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्हीं को ही कहा जाता है। तो ये आप ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत फ्रीक्वेंटली बनते हैं। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स। सुप्रीम कमांडर कौन होता है आर्म फोर्स का, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट इन दिस केस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीक्वेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रेसिडेंट मेड प्रोक्लेमेशन अंडर एमरजेंसी अंडर आर्टिकल। तो आपको ये बताना है कि फर्स्ट टाइम अंडर आर्टिकल 352 के अंदर जो एमरजेंसी लगाई गई थी, कब लगाई गई थी। तो इसका आंसर जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी, 1962। 1962 में बात करें इंडो चाइना वॉर के टाइम पे, है ना, इंडो चाइना वॉर के टाइम पे लगाई गई थी इमरजेंसी। ठीक है, फिर 1962 के बाद, फिर 1971 में लगाई गई थी इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाक वॉर, और तीसरी बार कब लगाई गई थी, दैट इज 1975 से, दो साल की लगाई गई थी इंदिरा गांधी द्वारा, जिसको हम लोग इंटरनल डिस्टर्बेंस रीजन इसका दिया गया था, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। ठीक है, डिस्टर्बेंस, है ना, दो साल के लगाया गया था, बाद में इसको पता चला था। उसके बाद फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, 44th अमेंडमेंट एक्ट की बात करें इन द ईयर ऑफ 1978, तो इसके अंदर जो अमेंडमेंट हुआ और तीसरा कंडीशन ऐड हुआ, तीन कंडीशंस होते हैं एमरजेंसी कब लगाई जा सकती है, अगर आर्टिकल 352 की बात करें वॉर के केस में लगाई जा सकती है, सेकेंड अगर एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए तब लगाई जा सकती है, है ना। बस ये दो रीजंस थे पहले के टाइम पे। उसके बाद हम बात करें, तीसरा जो रीज़न है वो ऐड हुआ था इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, वो क्या था, दैट इज आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन ये थर्ड रीज़न जो है वो ऐड हुआ था, आर्म्ड रिबेलियन एज पर द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। बट यहाँ पर देखा जाए, पूछा गया पहली बार कब लगा था, तो 1962, ये ध्यान देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीक्वेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट मेड द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। अभी हमने डिस्कस किया इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे जो फर्स्ट टाइम इमरजेंसी लगा था, कब लगा था, 1975 में, दो साल के लिए, ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो ऑप्शन ए 1975 इज द करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट ही कैन। अगर कोई बिल पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ है तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर उसके पास, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो रिटर्न कर सकता है, अपनी वीटो लगा सकते हैं। ठीक है, अगर प्राइवेट मेंबर बिल है तो वो अपना एब्सोल्यूट वीटो दे सकते हैं, डायरेक्ट मना कर सकते हैं। बट अगर ये गवर्नमेंट बिल है, उस केस में वो सस्पेंसिव वीटो का यूज़ कर सकते हैं, पॉकेट वीटो का यूज़ कर सकते हैं, और अगर अमेंडमेंट बिल है उस केस में वो अपना कोई भी वीटो नहीं लगा सकते।
तो इस आप ऑप्शन देखिए, कंसल्ट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, नो, अमेंड द बिल, नो, रिटर्न इट फॉर यस। अगर हम सस्पेंसिव वीडियो की बात करें तो रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, बट अगर वापस वो रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट भेजते हैं तो पार्लियामेंट अगर वापस चाहे उसको कंसिडर करे या ना करे, अगर वापस प्रेसिडेंट को भेज देगी तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन ओवर द बिल। तो आप कह सकते हैं तो ऑप्शन सी जो है वहाँ पर करेक्ट जाएगा। आई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट इन द इवेंट ऑफ। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कब करते हैं? इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ, यस। अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या रेजिग्नेशन कर दे, हिज एब्सेंट ड्यू टू इलनेस, यस, ऑल ऑफ द अबव सिचुएशन। सो डी इज द करेक्ट आंसर। तीनों कंडीशन में अगर प्रेसिडेंट है तो ऑफिस वैकेंट हो जाएगी, ऑफिस वैकेंट होने के बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं हुए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो भी नहीं हुए तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये आपको ध्यान देना है, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो एक्ट करेंगे किसकी तरफ, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सैलरी और जो उनकी सिक्योरिटी है वो प्रेसिडेंट के बराबर कर दी जाती है, ठीक है। फिर गवर्नर की बात करें, गवर्नर ऑफ स्टेट वो क्या है? अपॉइंटेड बाय द स्पेशल कमिटी, नो, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, राइट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट इन दिस केस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सीक्वेंस में, हु एडमिनिस्टर द ओथ टू द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट। अगर स्टेट की बात करें तो ओथ कौन दिलाता है मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो आंसर जाएगा दैट इज गवर्नर, है ना। अगर हम लोग सेंट्रल लेवल की बात करें तो प्रेसिडेंट दिलाते हैं, तो ये ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमरजेंसी हैज बीन इन्वेस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो तीन टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन में एमरजेंसी दिया है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, तीन टाइप। आर्टिकल 352 की बात करें, आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी की बात कही है। क्वेश्चन बनता है बहुत फ्रिक्वेंटली, है ना, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, ये ध्यान देना आपको। आर्टिकल 356 इसको कहते हैं स्टेट इमरजेंसी, जिसको प्रेसिडेंशियल रूल भी कहते हैं, तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड, ये आपको ध्यान देना है। और तीसरी टाइप का होता है आर्टिकल 360, दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तीन इमरजेंसी जो है, तीन टाइप के इमरजेंसीज हैं अभी तक, दोनों टाइप के इमरजेंसी लगाए गए हैं, बट फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है अभी तक नहीं लगा। जब भी लगेगा तब देखेंगे।